नमस्कार, डिलीशियस लड़का में आपका स्वागत है। आज हम चावल की ऐसी रेसिपी बनाएंगे जिसे देखते ही आपका तुरंत बनाने का मन करेगा, जिसे बड़े तो बड़े बच्चे भी बड़े शौक से खाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हम ले लेंगे 1 कप चावल, ये हमने नॉर्मल वाले चावल लिए हैं जो अक्सर घर में होते हैं, और 1/2 कप हमने लिया लाल मलका दाल। अब इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसे पानी डालेंगे और 2 से 3 बार अच्छे से पहले वॉश कर लेंगे। देखिए, 2 से 3 बार हमने अच्छे से वॉश कर लिया। अब इसमें हम इतना पानी डालेंगे अच्छे से डूब जाए, और इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हम ले लेंगे कुकर, गैस ऑन कर लेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, उसे गर्म कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, मैं इसमें डालूंगी 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 3 लौंग, 1 तेजपात, 8 से 10 दाने डालूंगी मैं काली मिर्ची के साबुत, और 1/2 टीस्पून डाल देंगे जीरा। पहले जीरे को अच्छे से फूलने देंगे। मैंने ली थी 5 से 6 लहसुन की कलियां, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, 3 हरी मिर्ची, इन सब को कूट लिया था, क्रश कर लिया था, वो डाल दूंगी। इसे भी डालने के बाद थोड़ा सा चला देंगे, इसका कच्चापन दूर हो जाए, और हरी मिर्ची कम ज्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने ली थी 1 प्याज, थोड़ी बड़े साइज की प्याज थी, मैंने 1 ली है, उसको मैंने छोटा छोटा काटा है। इसे भी 2 से 3 मिनट तक पहले भून लेंगे। ये देखिए, 3 मिनट तक हमने प्याज को भून लिया है, प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। मैंने ली थी 4 फलियां, उसको अच्छे से वॉश कर थोड़े बड़े टुकड़ों में काटा है, और 2 लिए थे टमाटर, इनको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है, वो डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे टमाटर को। अब डालेंगे कुछ मसाले। 1/4 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, आप स्वाद अनुसार डालें, 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर। अच्छे से मिक्स कर दें। मैंने ले लिया था 1 आलू, ये बड़े साइज का आलू लिया था मैंने, 1 लिया है, ये कच्चा आलू है, छीलने के बाद इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। और मैंने ले लिए थे स्वीट कॉर्न, मैंने 200 ग्राम के करीब ना स्वीट कॉर्न लिए थे, वो डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करते हुए हमें 1 से 2 मिनट तक गैस को मीडियम करते हुए इसे भून लेना है। मैंने लिया था पनीर, मैंने 200 ग्राम के करीब पनीर लिया था, उसको भी छोटा छोटा काटा है। इसे भी मिक्स करते हुए थोड़ा सा चला देंगे। अब इसमें हमने दाल चावल को भी डाल देना है, उसका पानी हमने निकाल दिया था, इसे भी भीगे हुए 15 मिनट हो चुके हैं, पहले तो मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम पानी डालेंगे, जिस कप से हमने नापा है उसी कप से मैं 3 कप के करीब पानी डाल रही हूँ। 1 कप हमने चावल लिए थे, 1/2 कप हमने दाल ली थी, और 3 कप हम पानी डाल रहे हैं इसमें। अच्छे से मिक्स करते हुए पानी में पहले 1 उबाल आने देंगे, जब उबाल आ जाएगा तब इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और थोड़े से मैं डाल रही हूँ पुदीने के पत्ते, इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा इसमें। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप नमक चेक करना चाहें तो अभी कर सकते हैं और डाल भी सकते हैं। अब कुकर का विसल लगा देंगे, 2 विसल हाई मीडियम फ्लेम पर। देखिए, 2 विसल हो चुके हैं, कुकर हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसे हम खोलेंगे और चेक करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कितनी बढ़िया रेसिपी बनकर तैयार हुई है, ये चावल भी बिल्कुल खिला खिला बना है। जो बच्चे सब्जियां नहीं भी खाते ना, वो इस ढंग से आप देंगे तो बड़े शौक से खाएंगे। आप इसे जरूर ट्राई करें, क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी और सबको बहुत ही पसंद आएगी। धन्यवाद।